कट आवास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। आईटी रुड़की की टीम ने इन आवासों की जांच की थी और जांच रिपोर्ट में इन आवासों को रहने लायक नहीं पाया गया। रिपोर्ट देखिए। गरीबों के आशियाने से खिलवाड़, आगरा में ध्वस्त होंगे 3,264 मकान। बीएसयूपी के मकान मानक विहीन, आईआईटी रुड़की ने दी जांच रिपोर्ट। अपनी छत के लिए तरस रहे शहरी गरीबों के आशियानों के साथ इंजीनियरों ने ऐसा खिलवाड़ किया कि एक दिन रहे बिना ही नरायच में बनाए गए बीएसयूपी के 3,264 मकान ध्वस्त किए जाएंगे। आगरा विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों ने 3,584 मकानों का निर्माण कराया था। आईआईटी रुड़की की जांच रिपोर्ट में केवल 320 मकान ही रहने लायक हैं। नरायच में 3,640 मकान बनाए जाने थे, लेकिन एडीए ने यहां 3,584 मकान बनवाए। बेहद घटिया गुणवत्ता के भवनों के कॉलम और बीम में दरारें आ गई, सरिया बाहर निकल आई। ठेकेदार ने निर्माण को देखा ही नहीं। कॉलम में बड़ी बड़ी दरारें पूरे 4 मंजिल तक आ गई और ये भवन कभी भी गिर सकते हैं। आईआईटी रुड़की ने 67.50 लाख रुपए देकर एडीए ने जांच कराई थी कि ये भवन अब रहने लायक हैं या नहीं। आईआईटी ने 3,264 मकानों को जर्जर बताते हुए रहने लायक नहीं माना, केवल ए बी और सी ब्लॉक के 320 मकान ही रहने लायक बताए गए, जिनका निर्माण शुरुआती दौर में ही किया गया था। इन मकानों पर 127 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 3,264 मकानों पर खर्च हुए 115 करोड़ रुपए अब बर्बाद हो जाएंगे। इन मकानों में एक भी दिन कोई आवंटी नहीं रह पाया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े 3,264 मकान। आईटी रुड़की की टीम ने जांच में ये पुष्टि कर दी है कि ये सभी मकान रहने योग्य नहीं हैं, यानी कि क्षतिग्रस्त हैं, गिरासू हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मकानों के निर्माण में करीब 127 करोड़ का खर्च आया था। अब ईडी के सामने समस्या यह है कि अगर मरम्मत करवाते हैं तो एक बड़ा खर्च आएगा और अगर इनको ध्वस्त करवाते हैं तो भी एक बड़ा नुकसान होगा। तो क्या अब उन पर कार्रवाई होगी जिन्होंने सरकारी धन का बंदरबांट किया है? वही जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। ध्वस्तीकरण का फैसला शासन से होगा। जिन इंजीनियरों ने इन मकानों को बनाया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी की जाएगी। जांच होगी। अभी 320 मकान तो रहने योग्य हैं, जो आईआईटी रुड़की रिपोर्ट देती है। शेष जो 3,264 है उसके ऊपर हमने अभी कह दिया है कि इसके ऊपर एस्टीमेट बनवाया जाए और एस्टीमेट का कितना खर्चा आता है उसके हिसाब से फिर फाइनली डिसाइड होगा कि क्या कार्रवाई। तत्कालीन जितने भी जो जेईई या अन्य अधिकारी जो रहे उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाएगा। वो तो बिल्कुल जिम्मेदारी तय की जाएगी क्योंकि रिपोर्ट बहुत स्पष्ट आई है। नरायच में बने शहरी गरीबों के बीएसयूपी मकानों को एडीए ने बनाना शुरू किया तो इसका आवंटन भी डूडा ने शुरू कर दिया। अधूरे मकानों को आवंटियों को हैंडओवर नहीं किया गया। इन भवनों के आवंटियों का अपने घर का सपना एडीए इंजीनियरों के भ्रष्टाचार के चलते टूट गया है। आगरा से भारत समाचार के लिए अनुपम पांडे की रिपोर्ट। और अब खबर अमेठी से है, जहां पर समाज से